अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक आज हमने स्टार्ट करना है काइनेटिक काइनेटिक इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर। इंटरप्रिटेशन वैसे कहते हैं वजाहत करने है, काइनेटिक इक्वेशन का यूज करना है, यूज करके आपने टेम्परेचर की वजाहत करनी है। ये काइनेटिक इक्वेशन को यूज करें, यूज करके आपने किसकी वजाहत करनी है, टेम्परेचर की। जैसे सबसे पहले एक बात याद रख लीजिएगा, ये चंद एक चीजें, तो ये हमारे पास एक बॉक्स है, इसके अंदर हमने गैस ली हुई है, तो ये गैस के मॉलिक्यूल हैं। तो इसके अंदर रेंडमली मूव करते हैं गैस के मॉलिक्यूल को, खास इनकी मूवमेंट नहीं होती। एक गैस के मॉलिक्यूल का अगर मास की बात करूं, सिर्फ एक गैस के मॉलिक्यूल का, उसको कहते हैं एम। सही है, जितने भी इस कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उसको हम कहते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एन। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सही है, अब कहते हैं जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में भी टकराते हैं और डब्बे की दीवारों के साथ भी टकराते रहते हैं। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर एक पॉइंट था, और जब ये डब्बे की दीवारों के साथ टकराते हैं तो क्या करते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, और इनके दरमियान में जो कोलिजन होती है वो हमेशा कौन सी होगी, इलास्टिक कोलिजन। तो ये बातें चंद एक लिख लेते हैं कि द मॉलिक्यूल ऑफ गैस द मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल होते हैं ऑफ गैस गैस के ऑफ गैस मूव रैंडमली ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, बेतरतीबी से मूव करते हैं, और जब ये रैंडमली मूव करते हैं तो आपस में भी टकराते हैं, डिब्बे की दीवारों के साथ भी टकराते हैं, इनके दरमियान में जो कोलिजन होती है वो हमेशा कौन सी होगी, इलास्टिक कोलिजन। दे कोलाइड ये टकराते हैं विद वन अनदर एक दूसरे के साथ टकराते हैं, एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर और डब्बे की दीवारों के साथ भी टकराते हैं, वॉल ऑफ कंटेनर। कंटेनर कहते हैं किसी भी डब्बे को, तो ये इंग्लिश के अंदर कंटेनर डब्बे को कहते हैं। कहते हैं और इनके दरमियान में जो कोलिजन होती है वो कौन सी होती है, इलास्टिक कोलिजन। दे हैव द कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इज द कोलिजन जो टकराव है किसके दरमियान, बिटवीन गैस मॉलिक्यूल के दरमियान में जो टकराव होता है वो हमेशा क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल इज इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन ऐसी होती है जिसमें ना तो एनर्जी गेन होती है ना ही एनर्जी लूज होती है, ओवरऑल मॉलिक्यूल की एनर्जी सेम रहती है। बस इतनी बात आपने जहन में बिठा लेनी है कि मॉलिक्यूल की एनर्जी ना तो गेन होती है ना लूज होती है, इलास्टिक कोलिजन में टकरा के वैसे आएंगे वैसे ही पीछे की तरफ चले जाएंगे, जितनी स्पीड से आए उतनी स्पीड से जाएंगे पीछे की तरफ टकराने के बाद। अच्छा, काइनेटिक इक्वेशन हम जानते हैं कि वी नाउ डैट हम क्या जानते हैं कि काइनेटिक इक्वेशन ये वाली है, PV इज इक्वल टू 1/3 mnc²/bar। अच्छा, सारी की सारी चीजें यहां बता दें, खसूसन जो आपने यहां पे तवज्जा करनी है वो m पे करनी है n पे करनी है, बाकी चीजें इतनी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगी आपको यहाँ पे, क्योंकि बाकी सारी चीजों का मतलब वाजह हो जाता है, लेकिन इन दो का मतलब मुबहम सा रहता है कि m क्या है n क्या है। सही, चलें ये सारी चीजें यहाँ बता दें, वेयर यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें हम लिख देते हैं, वेयर यहाँ पर ये जो छोटा m है हमारे पास इसका बताएंगे, ये लार्ज m जो है इसके बारे में बताएंगे, ये क्या चीज है हमारे पास लार्ज m के बारे में, सी स्केयर के बारे में बताएंगे कि सी स्केयर बार हमने क्यों लिखा हुआ है, पी बताएंगे कि पी क्या है हमारे पास, और लास्ट में वी के बारे में पीवी। चलिए सबसे पहले ये एम के बारे में खुशन आपने ध्यान रखना है, एम होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। गैस के एक मॉलिक्यूल का, सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसको हम क्या कहेंगे, एम। सही, इसके बाद एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के डब्बे के अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने, एक हैं, दो हैं, दस हैं, बीस हैं, 30,000 हैं, और इसके बाद मैंने ये वाली चीज हम पता है जब जहां बाहर आ जाए उसका मतलब क्या होता है, मीन स्क्वायर
वेलोसिटी, सी हम केमिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं वेलोसिटी के लिए। ये वाली जो चीज है यह है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी कि मॉलिक्यूल की स्पीड है। और ये क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस। और ये वाली चीज क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस। ये चीजें आपने याद रख लेनी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल ये हम निकालने लगे हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल, फॉर वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के लिए। आप देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो हम अमूमन फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। सही है, आपने क्या करना है, m तो हम यहां पे m ही लिखेंगे क्योंकि एक मॉलिक्यूल के निकालनी है। सही है, इसी में यहां पे m ही लिखो, लेकिन v की जगह हम क्या लिखते हैं, c स्क्वायर बार। सही, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। चले वो वाली चीज उठाएं, यहां पे लिखें e k, काइनेटिक एनर्जी। k क्या रिप्रेजेंट करता है, काइनेटिक e एनर्जी को। ये किसके बराबर होगी, हाफ एम सी स्क्वायर बार के, हाफ एम सी स्क्वायर बार के। अच्छा, मुझे ना सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना है, इस इक्वेशन में देखे m है, c स्क्वायर बार है, मैं 1/2 लेकर, यानी कि आपने किसी तरीके से इस इक्वेशन में ये वर चीज प्रोड्यूस करना चाहते हैं, किसमें, इस इक्वेशन में ये वर चीज बनाना चाहते हैं। मैं इस इक्वेशन को दोबारा फिर लिखता हूं, यहां पे पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी स्क्वायर बार। देखिए मुझे पास सारी चीजें, एम भी है, चेक करें, सी स्क्वायर बार में सिर्फ क्या है, 1/2 नहीं है, बाकी सारी चीजें। अच्छा, मैं अगर इस साइड को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं, 2 से डिवाइड भी कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने यही काम करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द अबव इक्वेशन, द अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, किस चीज के साथ, 2 के साथ, 2। सही है, अब हम क्या करने लगे, ये वाली चीज मेरे पास ये बन जाएगी, पी वी इज इक्वल टू, मैं ये यहां पे कुछ इस तरह लिख देता हूं, 2/2 से, बाकी सारी की सारी चीज मैं अंदर यही लिखता हूं। ये मेरे पास क्या है, 1/3 एम एन सी स्क्वायर बार। मैथ के अंदर एक चीज होती है, अगर आपका जो न्यू स्टेप किया हुआ है इसका स्टेप का जवाब पिछले वाले स्टेप के बराबर आता है तो वो चीज आपकी सही है। चेक करें, अगर मैं 2 को 2 से काट दूं, क्या पीछे वाली चीज बन रही है, मतलब ये हमारा स्टेप बिल्कुल सही है, वो कोई गलती नहीं है। अच्छा, अगर 2 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हूं, मैं कहता हूं ये 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/5 है, मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं, यहां पे 2/3 1/5, क्या मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं और इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं, आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा, चलिए मैं लिख के चेक कर लेता हूं। मैं कहता हूं मैं 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 लिखना है, चलिए इसको मल्टीप्लाई करके 2 × 1 = 2 = 15, ये भी क्या बनेगा, 2/15, मतलब नीचे वाली इक्वेशन को आप थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखें मैंने कौन सी चीज यहां पे रखी, मैं बनाना चाहता हूं ये वाली चीज, मेरे सामने है एक मॉडल, मैं ये वाली चीज प्रिपेयर करना चाहता हूं यहां पे इस इक्वेशन में, कौन कौन सी चीजें जी मैंने लेके जानी है, मैं इस बट्टे के अंदर कौन सी चीज रखूंगा, चेक करना, पहले नंबर पर नीचे वाला 2 रखूंगा, इसके बाद मैं एम रखना चाहता हूं, सी स्क्वायर बार रखना चाहता हूं, ऐसा ही है, ये चीजें मैं बटे के अंदर रखूंगा, बाकी सारी चीजें बाहर ले आए, क्या बनेगा हमारे पास, चेक करना, ये 2 वैसे का वैसा रहेगा, ये n है ना, ये n को बाहर ले आए, 2n/3 बाहर आ जाएगा, 2n/3, बाकी क्या बचेगा, हाफ एम एन सॉरी एम सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर बार।
और ये किसके बराबर है, पी वी के। समझ आई यहां पे क्या किया, सिर्फ और सिर्फ हमने इस दो को अंदर लेके गए हैं, सही है, तीन को बाहर ले गए हैं, इस एन को बाहर उठा के ले गए, सही है, इस एन को उठा के हमने बाहर कर दिया। अब ये वाली चीज चेक करें किसके बराबर है, बस इसकी जगह वैल्यू पुट करें इसकी, ये वाली चीज किसके बराबर है हमारे पास है? ये चीज आपने मेंशन करके हर जगह पे ना आपने बता के फिर पुट करनी होती है, डायरेक्ट पुट ना करना, कि अब ये वाली जो चीज निकाली है हमने, ये वाली किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के, हाफ हाफ एम सी स्क्वायर बार, हाफ एम सी स्क्वायर बार या मीन स्क्वायर वेलोसिटी बराबर है काइनेटिक एनर्जी के। अब मैं उसकी इसकी जगह पे सिर्फ ई के अकेले लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी। चलो ये देखते हैं क्या बनता है हमारे पास, पी वी इज इक्वल टू, पी वी इज इक्वल टू टू एन ओवर थ्री ई के, टू एन ओवर थ्री ई के। समझ नहीं आता कोई चीज ऐसी जो यहां पे आपको समझ ना आई हो। चलो जी नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। अब ना एक चीज चेक करें, ये जो पी वी है ये किसके बराबर होता है, एन आर टी, ये हम जानते हैं, ये क्या होता है हमारे पास, पी वी एन आर टी। क्या मैं पी वी की जगह पे एन आर टी रख सकता हूं, चलो जी रखें, ये क्या बन जाएगा, एन आर टी इज इक्वल टू टू एन ओवर थ्री ई के। अब मैं ये इक्वेशन बनाने लगा हूं फॉर वन मोल ऑफ गैस, फॉर वन मोल ऑफ गैस, चले जी फॉर वन मोल ऑफ गैस, तो फिर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू वन हो जाएगी। अच्छा एक मोल ऑफ गैस का मतलब ये होता है कि अगर किसी गैस के 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाए, उसका क्या होता है, एक मोल, और इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एन ए। तो फिर आपके ने जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखे हुए, जब हम वन मोल करेंगे क्या एन ए के बराबर हो जाएंगे, ये भी एन ए के बराबर हो गए, जब वन मोल करेंगे तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल ये एन ए के बराबर होंगे, कितने होंगे एन ए के बराबर, 6.02 × 10⁻², जब वन मोल करेंगे, देखिए हमने कंडीशन लिखी कि एक मोल के लिए आप ऊपर वाली इक्वेशन लिखने लगे, सही, इसमें जब एन की वैल्यू क्या आ जाएगी वन, और सेम दूसरी साइड पे एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन ए के बराबर, दोनों है नंबर ही, कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो परले वाला जो नंबर है वो एक मखसूस नंबर है एक मोल के लिए, सही। अब क्या करें इसकी जगह पुट करें सारी सारी, इसकी जगह पे वन आएगा जी, तो वैसे आर टी इज इक्वल टू टू एन ए ओवर थ्री ई के, सही। हमने रिलेशनशिप देखा दो चीजों का, किन दो चीजों का रिलेशनशिप देखना है, इसका काइनेटिक एनर्जी का, बाकी चीजें सारी की सारी कॉन्स्टेंट, चेक कर ले बेशक, बाकी सारी की सारी चीजें कॉन्स्टेंट, आर को भी उठा के उस साइड पे लेके जाए, क्या करें आर को भी उठा ले, मैं टी वैसे लिख देता हूं, आर को उठाएं दूसरी साइड पे ले जाए, ये हमारे पास बन जाएगा टू एन ए ओवर थ्री आर, और यहां पे हमारे पास रहेगा ई के, ई के। अच्छा ये वाली चीज चेक करें, ये सारे का एन ए क्या है, एवोगैड्रोस नंबर, और कोई भी नंबर हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, सही है, कोई भी नंबर हो वो कॉन्स्टेंट, इसकी तो वैल्यू हमें पता है 6.02 × 10⁻²³ होती है। आर क्या है, जनरल गैस कॉन्स्टेंट, टू भी कॉन्स्टेंट है, थ्री भी कॉन्स्टेंट है। अब देखिए हम क्या करते हैं अमूमन, जब कहते हैं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, आप वी इज इक्वल टू के टी, यानी कि इसकी जगह पे ये दो चीजें लगा रहे हैं, इक्वल प्लस कॉन्स्टेंट। अगर हमारे पास ये दो चीजें हो हम दोबारा पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे जा सकते हैं, चेक करें हमारे पास कॉन्स्टेंट है इक्वल है, मतलब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाएं इसकी जगह पे, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। अगर याद हो तो हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में एक लास्ट वाला पॉइंट पढ़ा था
ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ने से। चेक करिए इसका प्रूफ है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है टेम्परेचर के बढ़ने से। एक दफा मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया था, मेन मेन चीजें यही हैं, बाकी लास्ट में हम चीजें लिखते हैं कि कौन कौन सी एक्स्ट्रा हमने लिखनी है। हाँ, अब सबसे पहली बात कि गैस मॉलिक्यूल मूव करते हैं रैंडमली, आपस में भी टकरा रहे थे, वॉल के साथ भी टकरा रहे, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, और इनकी कोलोइडियन हमेशा कौन सी होती है, इलास्टिक कोलोइडियन। हमने देखना है कौन सी चीज काइनेटिक इक्वेशन से टेम्परेचर की इंटरप्रिटेशन करनी है। इंटरप्रिटेशन क्या मतलब, वजाहत करनी है कि किस तरह होगा टेम्परेचर के साथ तल्लुकात। हमें पता है काइनेटिक इक्वेशन PV is equal to 1/3 mn c² bar, ये वाली चीज हमारे पास रूट मीन स्केल वेलोसिटी होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूल, क्या है ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ गैस एंड प्रेशर ऑफ गैस। हमने कहा जी हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम सी स्केयर है। मैंने ये वाली इक्वेशन दोबारा फिर यहां पे लिखी और मैं क्या करना चाहता हूं, इस इक्वेशन के अंदर ये वाली चीज बनाना चाहता हूं। उस ये वाली चीज बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको दो से मल्टीप्लाई किया, दो से डिवाइड किया, थोड़ी सी रीअरेंज की और ये वाली चीज मैंने इसके अंदर प्रोड्यूस कर ली। मैंने फिर इसकी जगह पे क्या किया, काइनेटिक एनर्जी पुट की। काइनेटिक एनर्जी पुट करने के बाद मैंने नेक्स्ट पीवी की जगह पे एनआरटी और एक मोल के लिए इक्वेशन को लिखा है और मेरे पास ये वाली चीजें आ जाती है और लास्ट में आपने ये चीज प्रूव कर देनी है और ये फार्मूला भी याद रखिएगा, सही है, और ये वाला भी चीज ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली बात जो आपने लिखनी है वो यही है कि यहाँ पे नोट बना लें, नेक्स्ट हेडिंग नोट की दे लें, चंद एक बातें लिखेंगे बात खत्म कर देंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर कम करने से काइनेटिक एनर्जी कम होगी। यानी पहला हमारे पास पॉइंट यह है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चलिए जी पहला पॉइंट हमें पता चल गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अच्छा मैं अगर कहता हूं जी टेम्परेचर मैंने जीरो केल्विन कर दिया, क्या कर दूं, जीरो केल्विन कर दूं, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हमें तो ऐसे लग रहा ना क्या हो जाएगी, जीरो, जीरो केल्विन लिखा है और ये जीरो केल्विन आपको पता होगा कौन सा टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट जीरो है। ये वो हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है जहां पर किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है, और जीरो वॉल्यूम पे क्या होता है, कहते हैं गैस के मॉलिक्यूल की मोशन ही रुक जाए। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, ये बात याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी होती है गैस का मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह में मूव कर रहा है, उस मॉलिक्यूल की एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं, उस मॉलिक्यूल की एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी, जो मोशन की वजह से होती है। कहते हैं टेम्परेचर आप जीरो डिग्री सेल्सियस कर दें, जीरो केल्विन, काइनेटिक एनर्जी जीरो, मॉलिक्यूल मूव ही नहीं करेगा। और कहता है ऐसा कभी भी हो नहीं सकता, बेशक वो सॉलिड हो वो मूव करता है, बेशक वो अपने इस तरह वाइब्रेशन थोड़ी थोड़ी कर रहा था, आपको पता होगा सॉलिड के अंदर वाइब्रेशनल मोशन होती है, सही है, वो क्या करता है थोड़ा सा इस साइड पे थोड़ा सा इस साइड, इस तरह मूव करता रहता है, सही है, वाइब्रेशन मूव तो कर रहा है ना, हिल तो रहा है ना, सही है, मरा तो नहीं है ना, एक मतलब मर जाए वो तो हिलेगा ही नहीं, सही है, वो थोड़ा बहुत हिल तो रहा है ना, जान तो है ना उसमें, आप तो कहते हैं कि जान ही निकाल लो उसमें से, इस बात का मतलब यह है कि बंदे में से जान निकाल लो वो बंदे खत्म है, कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ उसके अंदर जान रहती है, वो फिर भी थोड़ा थोड़ा मूव करता रहता है वहीं पे, लेकिन विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर आप देखें वो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होती रहती है, जैसे गैस में चेंज होगा इंक्रीज हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है वो यही है कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस बिकम इक्वल टू जीरो केल्विन द काइनेटिक एनर्जी शुड बी जीरो। चलें, व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस, ऑफ गैस बिकम जीरो, बिकम जीरो केल्विन, ये जीरो केल्विन लिखना है, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लिखना, सही है, जीरो
केल्विन, और मैं साथ में लिख भी देता, और माइनस 273.16 केल्विन सेंटीग्रेड। ये वाले दो टेम्परेचर है। When temperature of gas becomes 0 Kelvin या minus 273.16 degree Celsius, the kinetic energy of gas molecule, the kinetic energy of gas molecule की जो kinetic energy होगी वो क्या हो जाएगी, become zero, वो zero हो जाएगी। चलिए मैं English के अंदर लिख देता हूँ वरना O लगेगा, zero, which is impossible, जो कि क्या है, which is इम्पॉसिबल, जो नामुमकिन है, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये टेम्परेचर अटेनेबल ही नहीं है। दिस टेम्परेचर कैन नॉट बी अटेन, दिस टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है इज नॉट अटेनेबल, इज नॉट अटेनेबल। ये वाला बार दफा एमसीक्यू आ जाए जो अब लाइन लिखने लगा हूं, लोवेस्ट टेम्परेचर विच इज अटेन, या लोवेस्ट टेम्परेचर अटेनेबल, ये इस तरह लिख रहे हैं, द लोवेस्ट टेम्परेचर, जो कम से कम हम टेम्परेचर हासिल कर चुके हैं, द लोवेस्ट टेम्परेचर अटेन बाय अ साइंटिस्ट, अटेन बाय साइंटिस्ट ने जो सबसे कम टेम्परेचर हासिल कर लिया है वो है 10^-5 केल्विन। क्वेश्चन मेरा सिंपल ये है, आपने मुझे ये बताना है ये 0 केल्विन से वैल्यू बड़ी है या छोटी है। आपने ये दो मैं वैल्यू लिखने लगा हूं, बच्चों को यहां बड़ी कंफ्यूजन होती है, मैं पहले बता दूं, एक 0 केल्विन में लिखा है, मैंने कहा ये वाला टेम्परेचर हम हासिल कर ही नहीं सकते, लेकिन ये वाला टेम्परेचर हमने हासिल कर लिया है -5 केल्विन। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये 0 केल्विन वाली या 10^-5 केल्विन वाली, जो आपके सोच कह रही है वो बतानी है। नहीं, जो आपका जहन कह रहा है वो बताना है मुझे कि विच वन इज अ लार्जर वैल्यू, 0 केल्विन और 10^-5 केल्विन, छोटी वैल्यू कौन सी इन दोनों में से, माइनस फाइव वाली, कौन कह रहा है माइनस फाइव वाली छोटी है, लेकिन है नहीं वैसे। चले आपको, अच्छा 10^-5 का मतलब पता है क्या है, 0.00001 केल्विन, ये टेम्परेचर अटेन हो चुका है, ये टेम्परेचर अटेन नहीं हुआ, 0 केल्विन सही है, ये अटेन नहीं हुआ और ये अटेन हो गया। अच्छा अब मजे की बात चेक करें, 0 से हमेशा छोटी वैल्यू वो होती है जो माइनस में आए, चेक करें ये माइनस में है, कहीं मैंने शुरू में माइनस, लेकिन ऊपर तो फिर माइनस, वो तो पावर है, वो तो साइंटिफिक नोटेशन के लिहाज से हमने इस साइड पे जंप किया, इसलिए हमने माइनस फाइव लगाया, यहां मैंने कहीं में शुरू में माइनस लगाया, सही है। माइनस में हमेशा जो वैल्यू होगी वो 0 से छोटी होगी, ये पॉजिटिव है, 0 से छोटी नहीं है, बड़ी है, 0 हम हासिल ही नहीं कर सकते। इतना बात याद है, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे आके ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लो जी कहते जी 0 केल्विन हासिल नहीं किया, माइनस में 5 वाला केल्विन हासिल कर लिए इन्होंने, सही है। ये बात छोटी सी है, इसको ज़हन में रखिएगा बच्चे, यही है आज के लेक्चर में, क्या ना करूं, चलिए।